आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं द ऑल न्यू हुंडई एलेगाजार 1.5 ऑटोमेटिक प्रेस्टीज 7 सीटर वेरिएंट जो 2021 में अभी अभी लॉन्च हुआ है। अगर हम गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी फ्रंट से दिखने में बहुत ही मस्कुलर नज़र आती है। अगर हम इसके ग्रिल की बात करें तो आपको इसमें क्रोम का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के हेडलैम्प की बात करें तो आपको इसमें फुल्ली LED सेटअप देखने को मिलता है, साथ ही आपको इसमें LED DRLs का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर फोग लैंप की बात करें तो फोग लैंप भी आपको इसमें LED ही देखने को मिल जाते हैं। आप फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हम गाड़ी के बम्पर की बात करें तो आपको इसमें डुअल कलर बम्पर देखने को मिल जाता है, जो इसमें सिल्वर एलिमेंट का यूज़ हुआ वो भी दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर साइड प्रोफाइल में गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इसमें 200 mm इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, साथ ही आपको इसमें डोर ओपनर और बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर की प्लेसमेंट OVMP की गई है जो कि आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही अगर हम इसके टायर सेक्शन की बात करें तो आपको इसमें 215x17 इंच के आपको डायमंड कट अलॉय व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इसमें चारों डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें 50 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के रियर टेल लाइट की बात करें तो आपको इसमें फुल्ली LED सेटअप देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको इसमें एलकजार की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। आपको इसमें ऊपर इसके वाइपर, डिफोगर और हाई स्टॉप लैंप का भी इसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही आपको इसमें सार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स और पैनोरामिक सनरूफ भी आपको गाड़ी में देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके नीचे की एलकजार की बैजिंग के नीचे आपको इसमें कैमरे का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको गाइडलाइन के साथ इसमें देखने को मिल जाता है। वो गाड़ी में 4 पार्किंग सेंसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के रियर बूट स्पेस की बात करें तो आपको गाड़ी में 180 mm का इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको इसमें नाइट में बूट एक्सेस करने के लिए लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम बूट को स्पेस को बढ़ाना चाहें तो हम इसकी सीट को फोल्ड करके भी अपने बूट के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। गाड़ी के सेफ्टी की बात करें तो आपको इसमें सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हम गाड़ी के ब्रेकिंग की बात करें तो आपको इसमें ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसके OVM की बात करें तो आपको इसमें इंडिकेटर रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, साथ ही नीचे आपको पेडल लैंप का ऑप्शन में देखने को मिलता है, साथ ही इसमें आपको ऑटो की बैजिंग भी गाड़ी में देख सकते हैं। गाड़ी के फ्रंट विंडो की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें कीलेस एंट्री का गाड़ी में स्विच देखने को मिल जाता है, और आपको इसमें ब्लैक और ब्राउन कलर का इसमें इंटीरियर देखने को मिलता है, साथ ही आपको इसमें डोर ओपनर सिल्वर कलर के देखने को मिलते हैं। आपको इसमें ORVM के कंट्रोल भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और चारों पावर विंडो का ऑप्शन आपको गाड़ी में देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको इसमें एम्बियंट लाइटिंग का भी गाड़ी में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे आपको इसमें 2 बोतल होल्डर का गाड़ी में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको इसमें लेदर फिनिशिंग का डी कट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको इसमें वॉल्यूम अप डाउन के कल उठाने काटने का क्रूज कंट्रोल का फीचर भी गाड़ी में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो AC का डिज़ाइन है वो कुछ क्रेटा से बिल्कुल सिमिलर देखने को मिल जाता है। नीचे आपको इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन, आपको गाड़ी में एम्बिएंट लाइटिंग का आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो आपको इसमें 10 इंचेस का इसमें स्टीयरिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको गाड़ी में 6 स्पीकर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको इस गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी गाड़ी में देखने को मिल जाता है। अगर नीचे हम बात करें तो आपको इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और 2 USB पोर्ट आपको इसमें चार्जिंग के लिए देखने को मिल जाते हैं। हम गाड़ी के गियर बॉक्स की बात करें तो आपको इसमें स्टाइलिश सा गियर नॉब देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको इसमें ऑटोमेटिक
टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है आपको इसमें, पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग और हिल होल्ड जैसे फीचर भी गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। आपको गाड़ी में एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, आर्मरेस्ट का जो साइज है वो आपको डिसेंट देखने को मिलता है। साथ ही आपको इसमें दो कप होल्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको गाड़ी में कोई भी लेदर सीट देखने को नहीं मिलती, आपको नॉर्मल फैब्रिक सीट देखने को मिलती है। साथ ही आपको इसमें ग्लव बॉक्स का साइज भी डिसेंट देखने को मिलता है और आपको इसमें कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम को ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको इसमें वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इस गाड़ी में कोई भी लाइटिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता वैनिटी मिरर के पास। अगर सेंटर की बात करें तो आपको इसमें लाइटिंग प्लेसमेंट यहाँ पे की हुई है, ये आपके सनरूफ के कंट्रोल है। आपको ड्राइवर साइड कोई भी मिरर देखने का नहीं मिलता। आप गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर का लुक चेक कर सकते हैं। आपको इसमें गाड़ी में पेडल शिफ्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए आपको गाड़ी के पीछे चलते हैं और इसके स्पेस के बारे में बताते हैं। अगर हम गाड़ी के रियर विंडो की बात करें तो आपको इसमें पावर विंडो के स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको इसमें बोतल होल्डर का भी इसमें गाड़ी में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके बात करें तो आपको इसमें सन ब्लाइंड का फीचर भी इस गाड़ी में देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप पीछे की रियर सीट का लुक चेक कर सकते हैं। आपको इसमें 7 सीटर ऑप्शन गाड़ी में देखने को मिल जाता है। आपको इसमें 6 सीटर वेरियंट भी इसमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके सेंटर में आपको रियर एसी वेंट, एयर प्योरीफायर और आपको इसमें चार्जिंग सॉकेट और साथ में इसके फ़ोन रखने का भी जगह देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इसमें बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसमें आप फ्रंट डैशबोर्ड का लुक चेक कर सकते हैं। पीछे की सीट से आपको गाड़ी के ओवरऑल डैशबोर्ड के लुक का पता लग जाता है इससे। अगर हम गाड़ी के लेग रूम की बात करें तो देख सकते हैं आप, मुझे अच्छा खासा गाड़ी में लेग रूम देखने को मिल जाता है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, मुझे बैठने में से कोई भी दिक्कत नहीं होती। साथ ही आपको इसमें एक ट्रे जैसा ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपना टैब या लैपटॉप रख के करिए भी कुछ भी काम कर सकते हैं अपना। गाड़ी के थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में आपको इतना अच्छा खासा कुछ स्पेस देखने को नहीं मिलता। आपको इसमें नॉर्मली इसमें स्पेस देखने को मिलता है। ये सीट बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेफर है। मैंने इसमें पीछे गाड़ी में बैठ के देखा तो मेरे इसमें पैर अड़ रहे थे बिल्कुल, इसमें कोई भी कंफर्ट नहीं था। फिर थर्ड रो में आपको इसमें एसी वेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही 2 कप होल्डर और आपको गाड़ी में पीछे चार्जिंग सॉकेट का ऑप्शन में गाड़ी में दिया हुआ है। अभी अपना थर्ड रो का लुक चेक कर सकते हैं। आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन में गाड़ी में देखने को मिल जाता है। गाड़ी में आपको 1500 cc का 4 सिलेंडर 4 वाली इंजन देखने को मिलता है, जो आपकी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 113 bhp की। और जो गाड़ी में आपको टॉर्क देखने को मिलता है वो मिलता है 250 Nm का। अगर हम गाड़ी की माइलेज की बात करें तो आपको इसमें 18.1 किलोमीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। अगर हम गाड़ी के फुल टैंक में रेंज की बात करें तो इसमें आपको 905 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देखने को मिल जाती है। इसमें आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर 6 गियर बॉक्स इसमें गाड़ी में देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको इसमें BS6 टर्बोचार्ज इंजन देखने को मिल जाता है। गाड़ी में आइसोलेशन का सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो कि इंजन नॉइस को बाहर नहीं आने देता। भाइयों यहीं तक था हमारा ऑल न्यू LXR 2021 का रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए डेली ऐसी नई नई वीडियो चैनल पर लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने आपके लिए 6 सीटर वेरियंट का भी गाड़ी का रिव्यू किया है, उसे भी चैनल पर जाकर जरूर चेक करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।